अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YT एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो ये हमर बिहार का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज तीसरा स्टेट लेकर आए हैं, और इस वीडियो के सेक्शन में हम पढ़ेंगे बिहार कैबिनेट के द्वारा जो अहम फैसले लिए गए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम तो आपको बता दें कि यहाँ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे वो आपके 67th BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार सिपाही के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और यहाँ से जितने भी PDF है वो हम आप तक तो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पर सीधे लिए चलते हैं। तो ये जो है आपको अपडेट में बता देना चाहता हूँ कि ये जो अपडेट है ये जनवरी 2021 से लेकर, जी हाँ, मार्च 2021 तक के ये सारे अपडेट इसमें दिए गए हैं। जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को खासकर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपके 67th BPSC में भी पूछे जा सकते हैं, जो कि 30 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना, जो कि कजरा और जो पीर पहनती है, ये बिजली परियोजना है एक तरह से बिहार की, जो कि कहाँ पे स्थित है, किस यहाँ पे जिले में स्थित है। तो देखिए ये दो जिले को साझा करती है, एक तो आपका है दोस्तों लखीसराय और दूसरा है आपका भागलपुर, जहाँ पे कजरा और पीर पैंती है ना, ये पीर पैंती जो एक जगह है यहाँ पे, ये कि लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना है, और ये लखीसराय के कजरा और भागलपुर में पीर पैंती बिजली परियोजना का ये कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। सवाल नंबर दो पे चलते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ याद रह सकता है। लखीसराय एक जिला है, और आपको बता दें कि यहाँ पे कजरा और भागलपुर के पीर पैंती में बनने वाली परियोजनाओं से कितना मेगावाट सोलर बिजली यानी कि सौर ऊर्जा से जो भी डेवलप होती है हमारी बिजलियां, उसके बारे में बात हो रही है। तो मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये 500 मेगावाट सोलर जो बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। कहाँ पे? तो लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीर पैंती वाले क्षेत्र में। जी हाँ, मेगावाट कितना? तो 500 मेगावाट का सोलर बिजली यहाँ पे उत्पन्न होगा। ये दोस्तों आपको बता दें जो परियोजना है देश की कुछ एक परियोजनाओं में से शामिल होंगी, जो कि बिहार से संबंधित होगी। तो बिहार स्पेशल है ये पूरा सीरीज, जी हाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट MCQs करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। राज्य के कितने चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये कुल 50 मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे, जहां पे IIT पटना, या IIT पटना में ये स्थापित होगा। ये ध्यान रखिएगा, IIT पटना जो है 50 चयनित विद्यालयों में एक मॉडल लैब यहाँ पे स्थापित करने जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा वर्ष में कितने हजार टन चना और मसूर की खरीद का निर्णय लिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये राज्य सरकार का फैसला है। कौन से राज्य का? तो बिहार राज्य की बात हो रही है। और बता दें आपको कि राज्य सरकार जो है यहाँ पे धान और गेहूं, है ना, धान और गेहूं की बात जब करेगा तो आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे करीब 30,000 टन, है ना, ये ध्यान रखेंगे 30,000 टन, और इसमें साथ में चना को भी शामिल किया गया, चना और मसूर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और ये इसको खरीद करेगी, और लगभग 30,000 टन जो है चना और मसूर की खरीद यहाँ पे करने जा रही है, जो कि यहाँ पे SFC के माध्यम से इसकी खरीद की जाएगी। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राज्य में वर्तमान में लागू कृषि रोड मैप अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है? तो राज्य में जो है ये देखिए कृषि रोड मैप तैयार किया गया है दोस्तों, जी हाँ, कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, और जो भी कृषि के तहत जितने भी रोजगार उत्पन्न होते हैं उसके लिए। तो राज्य में वर्तमान में लागू जो कृषि रोड मैप है इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, और इसकी तिथि दोस्तों कर दी गई है 31 मार्च 2023। तो ये डेट एग्जाम में पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। पहले ये जो था 31 मार्च 2022 तक लिए लागू था, अब ये 2023 तक लागू हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पे, आंसर करिएगा। थोड़ा सा मैं इसको पुटअप करता हूँ और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में, देखिए ये जो मार्च का पहले का है, देखिए मार्च 2022 तक का है, और हमारा जो नया मंत्रिमंडल बना है वो मई में बना है, ठीक है, मई 2022 में बना है, और ये मार्च 2022 तक का अपडेट है, ठीक है। तो नया मंत्रिमंडल में नया गठबंधन की सरकार बनी है यहाँ पे, जो कि RJD और जो है यहाँ पे JDU की सरकार है।
और वो जो पहले गठबंधन थी वो बीजेपी और जदयू की थी, तो इन दोनों को लेकर ही यहाँ पे अपडेट है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अपडेट शुरू होता है। तो मंत्रिमंडल ने पश्चिमी चंपारण के लिए वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए नई योजनाओं के भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृति दिया है। तो देखिए अभी ये जो आपको क्वेश्चन देखने को कभी मिलेगा कि महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, अब ये क्या है? तो ये देखिए जो भी अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं उनकी वही महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है पुलिस सशस्त्र बल में नियुक्ति की प्रक्रिया भी निकाली गई थी। अब आपको बता दें कि इनके रहने के योग्य यहाँ पे इनके नई योजनाओं के तहत जो है यहाँ पे भवन निर्माण हेतु लगभग यहाँ पे 72.82 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ये राज्य सरकार करेगी दोस्तों। जी हाँ, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के लिए जवानों के लिए इसमें सिर्फ महिलाएं हैं जो कि रिक्रूट होती हैं। अब आपको बता दें कि इनके लिए 72.82 करोड़ रुपए की लागत से इनके लिए भवन का निर्माण किया जाएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहनों की खरीद पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स से छूट देगी। इसके तहत निजी वाहन यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी खरीद पर और व्यवसायिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में क्रमशः कितना प्रतिशत का छूट मिलेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ध्यान रखिए, आ सकता है आपके बीपीएससी में, ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये वाहनों के बारे में नहीं, व्हीकल्स के बारे में बात हो रही जो कि कबाड़ घोषित कर दिया जाता है और नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार जो है इन मोटर वाहन पर टैक्स की छूट देने जा रही है, जिसके तहत निजी वाहनों में यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उसकी खरीद पर और व्यवसायिक वाहनों पर जो यानी कि यहाँ पे एक बिजनेस क्लास के लिए जो व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उस पर टैक्स में कितने प्रतिशत की राज्य सरकार छूट देने जा रही है। तो याद रखिएगा 25 और 15 किसके लिए, तो ये है आपके जो है निजी वाहनों के लिए और व्यवसायिक वाहनों के लिए 15% है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये जो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक निर्णय है जो कि इसके तर्ज पर बिहार में भी इसको लागू किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे, आंसर करेंगे। राज्य के कितने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच डेस्क खरीदने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है? तो ये प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में जो बेंच और डेस्क खरीदने का अनुमति दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, आंसर कीजिएगा दोस्तों, लगभग 2803 विद्यालयों में, जो कि कैसा है स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों इसके लिए, तो आपको बता दें कि बेंच डेस्क खरीदने के लिए लगभग 99.75 करोड़ यहाँ पे जारी किए जाएंगे और कैबिनेट की बैठक में जो है राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है और बेंच डेस्क की खरीद जो है लगभग 5,000 खर्च पड़ता है और 2,00,000 बेंच डेस्क खरीदनी होगी यहाँ पे, जो कि ये राज्य सरकार के द्वारा आपको दी जा रही है 99.75 करोड़। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों। कोरोना से मृत व्यक्तियों के लिए निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृति राशि के अलावा यहाँ पे कितने करोड़ रुपए स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है? तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोरोना से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और चूंकि ये इकोनॉमी से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग कोरोना के चलते मरे हैं यानी कि उनकी मृत्यु हुई है तो उनके निकटतम परिजनों को यानी कि जो उनपे आश्रित है लोग है ना, उनके घर वालों को ये अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जिसकी स्वीकृति लगभग 125 करोड़ रुपए का यहाँ पे दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 10 पे, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। राज्य में कितने नए नगर निकाय बनाए गए? तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा, 3 नगर निकाय बनाए गए राज्य में, 3 नए नगर निकाय बनाए जा रहे हैं, वही कई एक उत्क्रमित किए गए हैं और क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया जा रहा है तो वही मुजफ्फरपुर को छपरा नगर निगम का क्षेत्र का विस्तार किया गया है। तो ये आंसर कर लीजिए, कितने नए नगर है ना, नया नगर बनाया गया, नया शहर बनाया जाएगा, तो ये दोस्तों 3 है, सहरसा और छपरा और मुजफ्फरपुर, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के लिए कितने रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा यहाँ से। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 128.10 करोड़ रुपया। और आपको बता दें कि ये जो है केंद्र प्रायोजित है जो कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के तहत, तो ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में रहेगा
और चूंकि ये बिहार से भी संबंधित है तो ये वित्तीय वर्ष जो 2021-22 गया है इसमें लगभग 128.10 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। सवाल नंबर 12 दोस्तों, यहाँ पे बताएंगे कि राज्य के सभी जिलों में कितनी क्षमता वाली छात्राओं की अन्य पिछड़ा वर्ग और कन्या आवासीय प्लस टू जो कि स्कूल संचालित होंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें समझने की जरूरत है, राज्य में सभी जिलों में है ना, तो कितनी क्षमता वाले, तो याद रखिएगा 520 छात्राएं जिस स्कूल में होंगी, और वो कौन सी छात्राएं होंगी जो कि बीसी कैटेगरी यानी कि बैकवर्ड कास्ट की और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट की जो महिला छात्रा है उनके लिए प्लस टू स्कूल संचालित होंगे जब जब वो 520 की संख्या वहां पे उनकी होगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, और अगला सवाल है 13 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन है कि आरा में इथेनॉल फैक्ट्री हेतु कितने करोड़ के निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, और ये आरा में, आरा जो है दोस्तों भोजपुर का एक क्षेत्र है, और आपको बता दें कि भोजपुर के आरा में इथेनॉल फैक्ट्री है जहां पे 168.42 करोड़ के निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है, और आरा में 400 किलोलीटर प्रतिदिन इथेनॉल उत्पादन की क्षमता सहित यहां पे मवेशी चारा और पावर प्लांट की स्थापना होती है। तो ये आंसर ए कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे आंसर करेंगे, बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने हेतु कितने करोड़ के निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बेगूसराय जिले में, बरौनी कहाँ पे है तो भाई बेगूसराय जिला में है, जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं है ना, थम्सअप पेप्सिको और कोको कोला जैसा, तो वैसा ही सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पर लगभग 278.85 करोड़ रुपया का निवेश का मंजूरी जो कि बिहार की कैबिनेट ने दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिहार कैबिनेट का प्रस्ताव है और ये मार्च में ही दिया गया था दोस्तों, मार्च 2021 में ही दिया गया था इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों अगले सब क्वेश्चन नंबर 15 पे आंसर करेंगे यहाँ पे, और हर एक सवाल का आंसर करके जाना है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कोई सवाल को छोड़ना नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 पे आंसर करिएगा, राज्य सरकार ने 3 आयुर्वेदिक कॉलेज जैसे कि एक होम्योपैथ कॉलेज है जो कि सह अस्पताल निर्माण करने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है। तो बिहार में भी बन रहा है दोस्तों आयुर्वेदिक कॉलेज और होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ चूंकि देखिए आयुर्वेदिक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा हर एक स्टेट में आयुर्वेद के जो कॉलेजेस हैं वो खोले जाएंगे और आयुर्वेद की पढ़ाई कराई जाएगी, साथ ही होम्योपैथ की कॉलेज भी सह अस्पताल के साथ निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि बिहार में ये जो राशि है 838.5 करोड़ रुपया जो मंजूरी मिल चुकी है बिहार कैबिनेट के द्वारा देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु। ये जो है दोस्तों राज्य सरकार ने बिहार में 3 आयुर्वेदिक कॉलेज और एक होम्योपैथिक कॉलेज खोलने का यहाँ पे निर्णय लिया है, जिसके लिए लगभग 838.54 करोड़ रुपया राशि की मंजूरी मिली है। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार कितने सीटर का निर्माण होगा यहाँ पर। देखिए अभी पश्चिमी चंपारण एक बिहार का जिला है जहां पे वाल्मीकि नगर है, इससे जुड़ा हुआ सवाल मैंने आपको एक शुरुआत में भी दिया अभी, और ये बहुउद्देशीय सभागार है और जिसके लिए कितने सीटर का निर्माण हो रहा है, बहुउद्देशीय सभागार यानी कि एक जगह बैठकर वहां पे सभा किया जा सके, तो ये लगभग 500 सीटर का बन रहा है जिसमें कि 4 ब्लॉक होंगे और 102 कमरों का अतिथि गृह भी यानी कि गेस्ट रूम भी बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग की ओर से होने वाले इस निर्णय पर 102 करोड़ रुपए खर्च भी किया जा रहा है, तो ये सवाल भी पूछ सकता है कितने करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 17 दोस्तों, राज्य के हर प्रखंड के एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कितने नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 750 एम्बुलेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य भर में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं इसको सुधार करने के लिए लगभग 750 जी हाँ लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस इसका नाम दिया गया है जिसकी मंजूरी मिल चुकी है बिहार के कैबिनेट के द्वारा। अब इसमें 534 ऐसे एम्बुलेंस होंगे जो कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होंगे और बेसिक लाइफ एम्बुलेंस जो है उनको खरीदने के लिए यहाँ पे मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 9,612 करोड़ रुपए का कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। तो एक बड़ा राशि जो है बिहार में आ रहा है इन सभी व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए। सवाल नंबर 18, राज्य के किन कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा सकते हैं, एग्जाम में 67वीं बीपीएससी में यहां से एक सवाल जरूर हो सकता है आपके परीक्षा में,
तो इसको जरूर आप पढ़ के जाएंगे, एक झलक देख कर जाएंगे बिल्कुल। और ये बाकी आपका जो परीक्षा है, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या कांस्टेबल हो गया, इन सब में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। राज्य के किन कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल पॉलिटेक्निक कॉलेजों में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, यानी कि ए और बी दोनों ही उत्तर है यहाँ पे, यानी कि ई ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है सभी कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा यहाँ पे देने का प्रस्ताव रखा गया है। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान में किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना की मंजूरी दी गई है? तो भाई ये अभी आपको बता दें कि फरवरी 2022 का अपडेट है, और यहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां पे माननीय नीतीश कुमार जो है जी हाँ इसकी बैठक की अध्यक्षता किए थे। और यहाँ पर राज्य में पीडीएस द्वारा पोषण युक्त फर्टिलाइज है ना, फोर्टिफाइड चावल के वितरण की मंजूरी दी गई है। तो ये फोर्टिफाइड जो है, फोर्टिफाइड चावल एक तरह का किस्म का चावल है, जैसे कि आपके राइस होते हैं, अरवा चावल होता है, उसीना होता है, ब्राउन यानी कि भूरा चावल होता है, उसी तरह ये फोर्टिफाइड चावल होता है जिसको कि मंजूरी दिया गया है इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 8 फरवरी की एक बैठक के अनुसार। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, जो कि सवाल नंबर 20 है। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अपडेटेड है आपका 2021 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2021 में राज्य के पूर्व में है ना, पूर्व यानी कि हमारा जो क्षेत्र होता है रोहतास का, रोहतास से लेकर आपका आरा और पटना तक जो है ना सबसे ज्यादा बालू का खनन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बता दें कि बालू खनन को लेकर 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई है जिसमें माननीय नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हरी झंडी दी गई है, और इसे 6 महीने यानी कि 31 मार्च 2022 तक पहले ही बंदोबस्ती के आधार पर अवधि का विस्तार यहाँ पे किया गया था। तो आंसर कर लीजिएगा सी, 31 मार्च 2022। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे। 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार वर्ष 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के लिए यहाँ निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये देखिए जो है बिजली विभाग से संबंधित है, जहां पे निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लगाने का ये उपलब्ध दिया गया। ये कैबिनेट की मंजूरी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, लगभग 11,100 करोड़ रुपए की ये योजना है, राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। साल 2025 तक सभी उपभोक्ताओं को यहाँ निःशुल्क स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर है लगाने के लिए राज्य सरकार अपनी योजना शुरुआत की है, और इस मद में सरकार जो है 11,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिजली कंपनी की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है पूरे देश भर में, और सबसे ज्यादा फेलुअर भी यहाँ पे बिहार में हो रहा है, जहाँ पे भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वहां पे बिलिंग का जो स्पीड है वो काफी तेज है, और वो हजारों में पैसे बिल बन के आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक फेलुअर है यहाँ पे ये सरकार का। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? तो ये कितने टोटल लग चुके हैं 2021 के डाटा के अनुसार बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2,80,000 मीटर जो है ये अभी तक लग चुके हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 पे आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार कोरोना से मृत्यु होने पर परिजनों के 4 लाख की राशि बढ़ाकर कितना मुआवजा देने का स्वीकृति दिया गया है? और ये बदलाव 11 अक्टूबर को किया गया है 2021 में। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो है 4 लाख रुपए जो दिया जा रहा था जो भी कोरोना से जिनके घर में किसी की मृत्यु हो रही थी, तो ये दोस्तों बढ़कर हुआ है 4,10,000, यानी कि 10,000 की बढ़ोतरी की गई है। ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट करके दिया गया है, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा और आंसर देने का प्रयास भी कीजिए। 1 अक्टूबर 2021 को एक कैबिनेट की बैठक होती है जिसके अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई? तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा, टोटल 8 ऐसे जिले हैं जिन पे की ये मंजूरी दी गई है बालू खनन को लेकर, जैसे कि नवादा, वैशाली, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, बक्सर जिला,
में यहाँ पे 2 अक्टूबर 2021 से बालू का खनन शुरू हो जाएगा और पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जो कि 8 जिलों में बालू खनन के लिए नए सिरे से यहाँ पे बॉन्ड जो है जारी किया जाएगा, एक निविदा जारी किया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी बिहार खनिज विकास निगम को दी जाएगी। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 8 ऐसे जिले को नए सिरे से दिया गया मंजूरी, जी हाँ याद रखेंगे। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक के अनुसार राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई की स्वीकृति दी गई है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, जी हाँ आंसर कर लीजिएगा, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी। 312 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है और 12 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की इसकी पढ़ाई को लेकर 26 जिलों में यह अब तक का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट होगा। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। 22 दिसंबर 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार राज्य के कितनी कक्षा के तहत यहाँ पे कितनी कक्षा तक जो है छात्र छात्राओं को साइकिल और कपड़े यानी कि पोशाक और उसके लिए जो छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा? तो ये दिया गया है दोस्तों 12वीं तक के कक्षा को लेकर। जी हाँ आपको बता दें कि राज्य की पहली से लेकर 12वीं तक है ना, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को, कितने 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को यहाँ पे पोशाक दिया जाएगा, साइकिल दिया जाएगा और साथ में उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। 22 सितंबर 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य सरकार ने एक वर्ष यानी कि 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत हाजिरी का अनिवार्यता समाप्त कर दिया है? बिल्कुल ये 75% यहाँ पे आपको अटेंडेंस देना होता था, तो इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों 21-22 के दौरान, क्योंकि कोविड का ये दौर था कि ध्यान रखिएगा, जिसके लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता खत्म की गई थी। अप्रैल से सितंबर तक जिन बच्चों की स्कूलों में 75% हाजिरी होती है उन्हें ही योजनाओं के तहत राशि देने का प्रावधान था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते जो है स्कूल बंद रहे और 75% हाजिरी अनिवार्यता शिथिल कर दी गई थी। तो यहां से आंसर सी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। आइए सवाल नंबर 28 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। सितंबर 7, 2021 को कैबिनेट की बैठक होती है जहां पे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित कितने उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र यहां पर विश्वविद्यालय के अधीन होंगे? आंसर कीजिएगा, टोटल 7। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में कुल 7 ऐसे जो है जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे शैक्षण केंद्र हैं जो कि स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन केंद्रों के निदेशक जो है अब डीन कहलाएंगे, यानी कि सभी डीन जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, उनके अधीन आएंगे। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, सेंटर फॉर द रिवर स्टडीज, सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी, सेंटर फॉर द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर द जियोग्राफिकल स्टडीज की यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। 25 अगस्त 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में कितने ROB के लिए राज्य अंश यानी कि राज्यों का अंश का स्वीकृति दिया गया है? देखिए कितने राज्यों का यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा टोटल 3 राज्य के जिले हैं, भागलपुर, सासाराम और बक्सर। ये जिले के रेलवे स्टेशन में सड़क जो है ऊपरी पुल यानी कि जो फ्लाई ओवर बनता है ना जो रेलवे के ऊपर, उनके निर्माण के लिए ये राज्य अंश के लगभग 85 करोड़ रुपए का स्वीकृति दिया गया है, जिसमें कि भागलपुर को 21.92 करोड़, सासाराम को 41.26 करोड़ और बक्सर को 22.95 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तो ये डेटा है और डेटा से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। 6 अगस्त 2021 को हुई बैठक की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-2021 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर जो छात्रवृत्ति योजना में कितने रुपए तक की आय वाले परिवारों को शामिल किया गया? तो बिल्कुल यह ध्यान रखिएगा, ये जो है ओबीसी ओबीसी और ईबीसी, ध्यान रखेंगे, परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है जहां पे आंसर करेंगे 2.5 लाख रुपए की, कितने की 2.5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, जो कि दोस्तों 2.5 लाख की ये आय वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा और अब तक के 1.5 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार इसमें शामिल होते थे, इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब ये राशि बढ़ा दी गई है, 2.5 लाख जिसका इनकम है उनको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, तो प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति मिलेगा यहाँ पर उनको, ये एक योजना है दोस्तों बिहार सरकार की। सवाल नंबर 31।
बिहार में कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? याद रखेंगे ये टोटल 3 विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति मिली है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होगा, और एक जो होगा दोस्तों स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर खेल कूद को भी बढ़ावा देने का यहाँ पे बिहार ने निर्णय बनाया है, और ये कैबिनेट की मंजूरी जो है 16 जुलाई 2021 को दे दी गई है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे, आंसर करिएगा। बिल्कुल आंसर करिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का। 16 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री के अधीन होगा, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, ये कुलाधिपति भी होंगे। ये ध्यान रखेंगे कुलाधिपति जो है मुख्यमंत्री ही होंगे, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा ये किया गया है बिहार में कि ये जो व्यवस्था है इसको बदली गई है और मुख्यमंत्री इसके कुलाधिपति बनाए गए हैं। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे, बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है? बिल्कुल याद रखिएगा ये पूर्णिया जिला में बन रहा है दोस्तों, 11वां ये मेडिकल सरकारी कॉलेज है। राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एक नया मेडिकल कॉलेज दिया है, जिसकी निर्माण की मंजूरी भी दे दी गई है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34, 2 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक होती है, जिसके अनुसार अवैध खनन के लिए लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितना धनराशि अदा करना होगा? आप तो अब जो है मान लीजिए कि अवैध खनन यानी कि जैसे बालू वालू अगर आप लोग कहीं से कोई चोरी करके ले जा रहा है, कोई खनन करके ऐसा ले जा रहा है और वो पकड़ा जाता है उसका वाहन, तो उसको 4 लाख जुर्माना अब यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है नियमावली, बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत, जिसका प्रावधान दिया गया है अवैध खनन को लेकर। ठीक है, तो प्रत्येक बड़े वाहन के लिए अदा करना होगा, और लगभग वहीं प्रति ट्रैक्टर 25,000 रुपए की वसूली होगी, और यह बालू पर लगने वाला जुर्माना अभी तक का सबसे बड़ा भी है। सवाल नंबर 35, 2 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उदय योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के कितने राशि की वृद्धि की मंजूरी मिली है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर कीजिएगा ए, यानी कि 918.5 करोड़ रुपया। ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि गंगा उदय योजना होगा। अब ये पहले प्रथम चरण में होने वाला कार्य के लिए ये राशि का मंजूरी बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया, कब? 2 जुलाई 2021 को। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 36 पे, आंसर कर लीजिएगा। 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार PHED है ना द्वारा राज्य के कितने हजार वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन और संचालन किया जा रहा है? बिल्कुल 56,000, नोट कर सकते हैं दोस्तों, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। नल जल के अंतर्गत वार्ड सदस्यों का ये उपभोक्ता शुल्क दिया जाएगा 56,000, नोट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में भी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसमें कि देखिए 56,000 वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन होगा, तो संचालित किया जा रहा है, और इसके तहत पेयजल जो है आपूर्ति को लेकर यहाँ पे लगभग 30 रुपए वसूली भी की जाएगी। यानी कि जो आपके घर में नल जल का नल लग रहा है वो आने वाले समय में आपसे इसके लिए चार्ज भी काटा जाएगा 30 रुपया, पानी भी अब आपको खरीद कर पीना होगा। सवाल नंबर 37 पे चलते हैं, 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार 8 प्रखंडों में अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निरीक्षण कमरा और परिसर विकास को कितने राशि की स्वीकृति मिली है? एग्जैक्टली 187.40 करोड़ का। सी इज द करेक्ट आंसर। 8 प्रखंडों में अंचल कार्यालयों के लिए ये एक आवासीय भवन है, जिसका निरीक्षण कमरा और परिसर बनाने में किया जा रहा है, और 187.40 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है दोस्तों। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं, 22 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस योजना के अंतर्गत मरीज परियोजनाओं के लिए निर्धारित परिवहन की राशि बढ़ा दी गई है? तो ये दोस्तों बाल हृदय योजना के तहत बढ़ाई गई है। 22 जून 2021 को ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, और ये दोस्तों बाल हृदय योजना के अंतर्गत मरीजों के परिजनों के लिए निर्धारित परिवहन जो है यानी कितनी राशि हुआ तो ये बढ़ाई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये राशि बढ़ा दिया गया है, इलाज के लिए मरीज के साथ जाने वाले परिवार का एक सदस्य अब 5,000 की जगह 10,000 उसको मिलेगा। अगर मरीज बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम है तो सदस्य, दो सदस्य के साथ भी वो जा सकेंगे, और इस तरह उन्हें 20,000 रुपये भी मिलेगा। ये क्या है? तो ये बिहार सरकार का योजना है, बाल हृदय योजना, जिसके अंतर्गत मरीज के परिजनों के लिए निर्धारित परिवहन की राशि उनको बढ़ा दी गई है।
यहाँ पे 10,000 है, अगर 6 वर्ष से बच्चा कम है और दो परिजन उनके जा रहे हैं तो ये राशि आपको 20,000 रुपये मिलेगी। सवाल नंबर 39, 15 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्मित वस्तुओं पर कितने दिनों के बाद निर्माण, भंडार, बिक्री, आयात और उपयोग पर राज्य के प्रतिबंध हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी हाल ही में 2021 की है अपडेट, कैबिनेट की एक बैठक गई थी जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि करीब 180 दिन के बाद यहाँ पे बिहार राज्य जो होगा वो प्लास्टिक मुक्त होगा। 6 महीने बाद इन उत्पादों का निर्णय, निर्माण, भंडारण जो है, बिक्री जो है, आयात जो है, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 40 पे चलते हैं। 15 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना के द्वारा दौरान जो कार्य करते स्वास्थ्य कर्मियों को कितने अतिरिक्त वेतन दिया गया है। ये बिहार के लिए है, याद रखिएगा, 1 माह के वेतन के बराबर उनको अतिरिक्त वेतन मिला है, यानी कि 1 माह में अगर वो काम किए तो उनको 2 महीने का वेतन दिया गया है। तो ये दोस्तों अपडेटेड है बिहार के उन सभी कर्मियों के लिए जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 41 पे, आंसर कीजिएगा। 15 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 41 का आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ डी, यानी कि 62.5 करोड़ रुपया, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 42 पे चलते हैं। 8 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार परामर्शी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो परामर्शी समिति के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, अध्यक्ष, मुखिया, प्रमुख, सरपंच और जिला परिषद अध्यक्ष को रखा गया है। तो 1, 2 और 3 आंसर यहाँ पे है और 4 भी आंसर यहाँ पे, तो ई ऑप्शन कर लीजिएगा, ये सभी, ठीक है। 16 जून से गठित जो है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में और ग्राम कचहरी को भंग किया जाएगा, जिनको की जिनकी जगह पर परामर्शी समिति काम करेगी। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे। 8 जून 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना मृतकों के परियोजनाओं को या परिजनों को अनुदान के रूप में कितने रुपए की स्वीकृति मिली। तो देखिए जो एक बैठक हुई थी 8 जून को, उसके अनुसार कोरोना मृतकों के परिजनों को यह अनुदान राशि है, ठीक है, तो जिनके लिए कुल राशि की स्वीकृति बिहार में दी गई है दोस्तों 300 करोड़ रुपया, ठीक है। और ये अकस्मात जो मृत्यु हुआ है कोरोना के चलते, इसमें अग्रिम 300 करोड़ रुपये बिहार सरकार को दिया जाएगा, जिसकी निकासी की जाएगी। सवाल नंबर 44, 1 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस जिले में 130 मेगावाट की पन बिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 700 करोड़ अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। ये सुपौल जिला को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि डगमरा डगमरा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट पन बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ओर से 700 करोड़ अनुदान, इस पे कैबिनेट की मंजूरी का फैसला मिल चुका है। सवाल नंबर चलते हैं 45 पर। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार के प्रति यहाँ पे परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी। बिल्कुल याद रखेंगे, ये 35 किलो होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, जो कि अंत्योदय परिवार योजना है, जिसमें कि पीला कार्डधारी जो भी लोग हैं उनको 35 किलो का राशन यानी कि अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। ये कब आया था बैठक, तो 11 मई 2021 को हुआ था बिहार की कैबिनेट बैठक के अनुसार इसका जायजा लिया गया था दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 पे, आंसर कीजिएगा। 19 अप्रैल 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार किस योजना को स्वीकृति दी गई है। तो ये है दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजनाओं की स्वीकृति, और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री महिला योजना और युवा उद्यमी योजना, ये दोनों को स्वीकृति मिला है 19 अप्रैल 2021। तो आंसर यहाँ पे ई कर लीजिएगा, एक से ज्यादा उत्तर सही है, और दोनों योजनाओं को यहाँ पे वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सवाल नंबर 47, 16 मार्च 2021 को कैबिनेट बैठक के अनुसार इथेनॉल के लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो ये पहला राज्य बन गया है जहां पे इथेनॉल की खेती हो रही है, और इसको लेकर एक अलग नीति बनाने वाला राज्य भी ये पहला बन चुका है। अब राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल बनाया जा सकेगा। तो बिहार पहला राज्य है ऐसा करने वाला, जो कि 5 करोड़ पूंजीगत अनुदान भी यहाँ पे आपको मिल सकेगा अगर इसका बिजनेस आप लोग करते हैं। सवाल नंबर 48, 16 मार्च 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार अगले कितने वर्षों के लिए मुख्यमंत्री और स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तारित किया गया है।
देखिए ये बैठक 21 2021 में हुआ था, और ये बैठक के अनुसार जो है दोस्तों अगले कितने वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तारित किए हैं, तो ये 5 वर्षों के लिए दोस्तों याद रखेंगे, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना जहां पे 1,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे, 2 फरवरी 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार कितनी लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सहायता राशि अनुदान दोगुनी हो जाएगी, तो ये दोस्तों 4.25 लाख छात्राएं हैं जहां पे कन्या उत्थान योजना का ये लाभ उठा सकेंगी, और इसके तहत दोस्तों आपको बता दें कि हर महिला को जो कि ग्रेजुएट हो रही है उनको 25,000 रुपए जो है अनुदान में दिया जाएगा दोस्तों, ये एक सहायता राशि है, ठीक है याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सहायता राशि इनमें से कौन है, और वो 4 ऑप्शन भी दे देगा, तो कन्या उत्थान योजना एक सहायता राशि जहाँ पे 50,000 रुपए की राशि एक मुफ्त मिलेगी, लेकिन ये स्नातक है तो यह ध्यान रखिएगा, तो स्नातक सभी और विवाहित और अविवाहित दोनों को मिलेगा 25,000, और लड़कियों को यहाँ पे 50,000 रुपए की एक राशि मुफ्त मिलेगी, जो कि अब तक इस योजना का इंटरमीडिएट और 10 और स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 रुपए दिए जाते रहे हैं, और इस तरह 4.25 लाख लड़कियों को यह सहायता राशि दोगुनी मिलेगी दोस्तों। और अभी एक और सवाल है यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग सिर्फ देखिएगा सवाल नंबर 50 को, और ये इम्पोर्टेंट है, 19 जनवरी 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा के 12 तक के छात्र छात्राओं की पोशाक मुहैया करवाने का कितना प्रकार का योजना चल रहा है, ये तुरंत 4 तरह का योजना चल रहा है दोस्तों, जहां पे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 12वीं तक 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पोशाक यहाँ पे मिलेगा, और ये मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालक पोशाक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत ये सारी चीजें आपको दी जा रही है, और ये इसके लिए पैसा आपके बैंक खातों में दे दिया जाएगा, सिर्फ जो छात्र का यहाँ पे अकाउंट है उनको ही मिल सकेगा। बाकी ये सब सारे क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुए हैं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। टोटल यहाँ पे हमने दोस्तों 50 प्रश्न देखे हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए पहुंचाए जा सके आपकी परीक्षाओं के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 8 बजे, जहां पे आप लोग जो है जुड़ेंगे बिहार सिपाही के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है सुबह 8 बजे मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, वहां पर बिहार SSC CGL को लेकर जो है हम लोग एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जहां पे टोटल 30 वॉल्यूम 1 में टोटल 30 प्रैक्टिस सेट होगा विद सॉल्यूशन, और ये आप लोगों को यहां से जाके अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए ज्वाइन करना होगा। जय हिंद।